जब बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, तब से ही बस शौकिया गाती थी और कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगी। पर ये ऐसी हंसी मजाक में गाते गाते, छोटे मोटे स्टेज शोज़ में गाते हुए, पापा के जो दोस्त थे जितने भी, उन्होंने इनक्रेज करना शुरू कर दिया। पापा ने भी, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तुम इनको सीरियसली लो, ऐसा नहीं है कि कोई आम बात है। धीरे धीरे वो बहुत मैटर करने लगा पापा को, और फिर मैं और भी सीरियस शोज़ में गाने लगी। मैं ज़्यादा स्टार नाइट्स जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने लगी और काफ़ी गाया मैंने। तो ये शौक़ एकदम प्रोफेशन में बदल गया स्लोली और पता भी नहीं पड़ा। नहीं, ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं ली। मैं लेना चाहती थी, लेकिन जब तक जब ऐसा सोचा कि चलो अब सीखना चाहिए, तब तक काफ़ी बिजी हो चुकी थी मस्त के बाद, तो ट्रेनिंग हो नहीं पाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैंने सीखा नहीं, मैंने काफ़ी सीखा है सीडी से, कसेट से। तो उस तरह की उस तरह का सीखना बहुत रहा है हमेशा। स्कूल की मुझे लाइफ याद है, क्योंकि मैं सिर्फ स्कूलिंग ही की है। आई डिड नॉट स्टडी फर्दर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लेवल एकदम ख़त्म हो चुका था पढ़ाई में। और मैं बहुत लगी थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अगर मैं पढ़ाई करती भी हूँ तो मेरा इंटरेस्ट उसमें होगा नहीं और टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि मैं म्यूज़िक में पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई और माँ बाप होते तो ज़रूर कहते कि नहीं तुम्हें ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए, 12th पास हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा सपोर्ट दिया, तो मैं 10th तक पढ़ाई करके फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना है। मेरे ख्याल से रियलिटी शो नहीं था मेरी आवाज़ सुनो, मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहला वो एक ऐसा म्यूज़िकल प्रोग्राम था, कॉम्पिटिशन था, जो एकदम प्योर था। ना उसमें कोई वोटिंग सिस्टम था, ना ही एलिमिनेशन राउंड था। जो था बस जो मेन जजेस हैं, जजेस का जो पैनल है वो ही डिसाइड करता था कौन बेहतर सिंगर है या नहीं। तो मैं कहूँगी कि वो काफ़ी टफ़ एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन था, जो आज हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें वोटिंग सिस्टम पर डिपेंड कर जाती हैं और अच्छे अच्छे सिंगर्स भी पीछे रह जाते हैं और एवरेज सिंगर्स आगे आ जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। सोनू जी ने मुझे संदीप चौटा जी से मिलवाया था, वो उनके अच्छे दोस्त थे और हैं। और संदीप जी को एक नए सिंगर की तलाश थी फिल्म मस्त के लिए, तो सोनू जी ने मेरा नाम सजेस्ट किया और मुझे कहा इमीडिएटली कि तुम जाकर उनसे मिलो। मैं उनसे मिली, पापा और मैं गए थे। और ये फिल्म मस्त में सिर्फ एक ही गाना था मेरा, रुकी रुकी सी जिंदगी। लेकिन जब वो गाना पिक्चराइज हो गया और रामू जी, राम गोपाल वर्मा जी ने जब रियलाइज़ किया कि आवाज़ बहुत अच्छी मैच हो रही है, तो उस वजह से मुझे और दो गाने फिल्म उसी फिल्म में मिले। और फिर ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक हो गया मेरे लिए, और फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम लोग साथ में नहीं गाए थे, पहले मैंने गाया था, फिर उसके बाद सोनू जी गा के गए थे। तो जब बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है तो थोड़ा सा अंदर ये तो होता है कि मैं कितना अच्छा गा पाऊँ कि लोग इम्प्रेस हो जाएं और मेरा ये गाना रह जाए। तो नर्वसनेस से ज़्यादा मैं कहूँगी कि मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था कि मैं किस तरह से कितना अच्छा गा सकूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अवार्ड्स आर नॉट एवरीथिंग फॉर मी, कि सिर्फ अवार्ड के लिए गाना या ये सोचना कि मैं अच्छा गाऊँ ताकि मुझे अवार्ड मिले, ये शायद अप्रोच गलत है। तो वो मेरी अप्रोच नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ और जो गाने लोगों को पसंद आते हैं, कभी कभी वो सिर्फ लोगों तक ही रह जाते हैं और अवार्ड्स नहीं मिल पाते। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जैसे बीड़ी जलाई ले, जो लोगों ने पसंद किया और जूरी को भी लगा कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए तो मुझे दे दिया। सो मिले ना मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि हर साल मेरे कम से कम 10 से 11 गाने हिट होते हैं, और इससे बड़ा अवार्ड मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। डांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो म्यूज़िक के साथ ही रिलेटेड है, तो मैं स्टेज पर हूँ तो मैं एक जगह खड़े होकर तो गा नहीं सकती, मुझे डांस करना ही है। और जब भी कोई गाना सोचो तो अंदर से डांस आता है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। हाँ, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहूँगी। आई वुड लव टू डांस, लर्न डांस एंड डांस प्रोफेशनली, व्हाई नॉट। स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं सब भूल जाती हूँ, मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, पागलों की तरह मैं गाती हूँ, कूदती हूँ, डांस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है स्टेज जहाँ पर मुझे हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, वो मेरा घर हो जाता है। मुझे इतना कंफर्टेबल कहीं महसूस नहीं होता जितना स्टेज पे होता है। मेरी भी यही उम्मीद थी कि मैं एक बार माधुरी जी के लिए गाऊं, और मैंने उनके लिए गा लिया, तो मुझे कोई दुख नहीं है, अब मैं बिल्कुल तृप्त हूँ।
और आजा नचले में थैंक्स टू आदित्य चोपड़ा जी एंड सलीम सुलेमान हु थॉट ऑफ मी फॉर दिस सॉन्ग. नहीं तो एक तो माधुरी जी का कम बैक और ऊपर से उनका मेरी आवाज़ को चूज़ करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी. और सबसे अच्छी बात यह है कि जब गाना शूट हो रहा था तो मुझे सलीम ने बताया कि माधुरी जी उनको बता रही थी, सुनीति को ज़रूर बोलना कि उसने बहुत अच्छा गाया है एंड आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ. आई थिंक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट. आने वाली काफ़ी फिल्में हैं जैसे हड़िप्पा है, लव आजकल के प्रोमोज अभी शुरू हो गए हैं और इवन कम्बख्त इश्क में हैं गाने. और आने वाली लगभग सभी फिल्मों में आप गाने सुनेंगे. एक्चुअली मुझे गाने फिल्मों के नाम ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन सभी काफ़ी अच्छी बड़ी फिल्में हैं जिनमें मेरे गाने हैं. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.